अरे ऐसा भी क्या गुस्सा यार हुमायूं, पोकर तो बस एक गेम है यार। जीते तो जीते, हारे तो दिल पे ही ले लिया है। अब कल जीत जाना यार, क्या हो गया? जराया ऐसे जरा दूंगा तुझे भी और तेरी इस गाड़ी को भी। फ्रॉड पाशा, फ्रॉड आदमी है वो। कैसे कैसे जीत जाता है सारे गेम वो। 35,000 हारों में 35,000। अरे तो मैं 1 लाख रुपया, वो भी 2 ही गेम। और देख मैंने खाना भी खाया, मैं हंस भी रहा हूँ। होंगे फिर तेरे पास पैसे। गाड़ी देख और 1 लाख रुपया हार गया। पागल वागल तो नहीं है तो? कसम से यार, खुदा की कसम। पागल तब जाली दर्द हो रहा है यार। अच्छा 40 ड्रिंक पिला दी उसने मुझे। खुद भी जाली साला, लोग भी जाली, कार्ड्स भी जाली थे। मैं बता रहा हूँ उसके कार्ड्स जाली थे उसके सारे। छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ मायो, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तू घर जा, सो जा, गुड नाइट। और सुन सुन, वो कल वो मछली के शिकार का प्लान, चले? अबे तुझे मछली बना के खा जाऊंगा, चल जा। चलो ओके, देख के अपने घर जाना, कहीं और ना कुछ जाना। हमारे दोस्त कहाँ है? पहुंचे? हाँ वो मैसेज आया था उनका मुझे, वो तो चले गए। कहाँ चले गए? यार मेरे पास लेके चले गए वो, कॉल के शो पे लाइव था यार। कम ऑन। ओ माय गॉड अहद, प्लीज टेल मी यू आर जोकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब है तुमने पूरा प्लान चेंज कर दिया? गॉड यू आर इम्पॉसिबल। मोहब्बत जंग में सब जाता है। बहुत घिसा पेटा डायलॉग है ये, लेकिन बहुत वैलिड है, अभी तक वैलिड है ना? राजा ने हीर से बिल्कुल यही कहा था, एग्जैक्टली यही लाइन थी, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। कौन सी मोहब्बत, कौन सी जंग? लिसन आहद, मेरा तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं है, ओके? लेकिन मेरा तो है। प्लीज आहद, प्लीज, जब तुम मेरे साथ होते हो तो जरा होश में रहा करो। यही तो मसला है, तुम्हारे सामने होश ही तो नहीं रहते मुझे। स्टूपिड गर्ल, कभी तो हंस लिया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। बुरी वाली चाय पियोगे? और मजे की होती है यार ये बात ये चांदनी। मेरे पास गिटार होता ना इस वक्त, मैं तुम्हें अपना नया कंपोज किया हुआ गाना सुनाता, सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए लेकर, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे तुम एक डॉक्टर का और कॉमेडियन ज्यादा लगते हो। तो डॉक्टर्स हंसा भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं यार, नो बिग डील। कॉलेज लाइफ में ना मैं स्टैंड अप कॉमेडी किया करता था, मेरे पेशेंट थी, वो मेरे फैंस थे, फैंस। वो देखो, वो क्या है? क्या वो ट्रक? क्या हुआ? जोया, कार में कुछ रह गया क्या? मैं ले आता हूं। जोया, ये मांगने के चक्कर में। जोया, जोया, जोया कहाँ जा रही हो? जोया, जोया, हेलो, जोया, कुछ थोड़ी कहाँ जा रही है मुझे? जोया, जोया, दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई, कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। जोया यार, इतना मजा आया, फारिस, मेहर सब आए हुए थे, बल्कि सारी यूनिवर्सिटी आई हुई थी। कहाँ थी तुम? अपना फोन उठा के देखो मेरी कितनी कॉल्स होंगी। I know, देखी थी मैंने तुम्हारी मिस कॉल्स। क्या करो यार, बहुत मसले चल रहे हैं जिंदगी में। आई थिंक मेरी ना किस्मत ही खराब है। बकवास मत करो, तुम ये बताओ तुम थी कहाँ? अभी सुल्ताना तो कह रही थी कि तुम कल रात बाहर थी, जल्दी बताओ कहाँ थी? मेरे साथ डेट पर। जी, डेट पर? और जोया के साथ? नो वे। आप हैं कौन? डॉक्टर अहाद, हार्ट स्पेशलिस्ट, इनका फर्स्ट कजन, और साथ में बहुत कुछ। एक मिनट डॉक्टर आहद, आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि ये डेट वाला सीन क्या है? बाय द वे, मैं मनाल हूँ, जोया की बेस्ट फ्रेंड। मैं जानता हूँ, कल जब मैं और जोया साथ साथ थे ना, तो आपका बहुत जिक्र कर रही थी। लगता है तुम बहुत स्टूपिड हो जो इसकी बातों में आ रही हो। सोया कम ऑन, तुम भूल गई? कल रात हाईवे, लॉन्ग ड्राइव, चांद सितारे, तुम सब कैसे भूल सकती हो? डेट और कहते कैसे हैं? क्या? अगर तुम्हें चांद सितारे की गवाही पे यकीन नहीं है ना, तो एक सेल्फी पे तो यकीन रखती होगी ना। Oh my God. Oh. अच्छा, तो ये बात है। आयशा, 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 सिगरेट कहाँ है मेरी? सिगरेट कहाँ है मेरी? आप बहुत सिगरेट पीने लगे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो बस हमें से बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? सिगरेट दो यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हुमायूं, मैं आपकी बीवी हूँ। अच्छा लाए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैं हमेशा भाईजान के लिए करती थी, उनकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। पागल तो नहीं हो तुम? मैं तुमसे सिगरेट मांग रहा हूँ ना। सिगरेट दो, अब क्या खड़ी हो? चीजों को अंदर हाथ मत लगाना, समझ आई? ये कपड़े इस्त्री करो। जी। देखो मनाल, वैसे ये बात मैं नहीं चाहता कि बहुत से लोगों को पता चले। मैं सिर्फ ये आपसे बात शेयर करूंगा क्योंकि आप इसकी बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। बात सिर्फ ये है कि मेरी और जोया की ना बहुत जल्दी नहीं होने वाली है। एक मिनट, हेलो डॉक्टर आहद, प्लीज चुप कर जाए। जो दिल में आ रहा है तुम बोले चले जा रहे हो। मेरी बात सुनो मनाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर है, आहद भी है, मेरे फर्स्ट कजन भी है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं, बाकी सब झूठ है। इसकी बातों पर यकीन क्यों कर रही हो? इनफैक्ट मैं तुम्हें बताती हूँ कि कल रात एक्चुअली हुआ क्या था। जोया, जोया, मतलब कल रात को जो कुछ भी हुआ था तुम सब बता दोगी मनाल को? I mean, हमारे बीच में इकरार, इजहार, जो लैला मजनू ने एक दूसरे से किया था, सब बता दोगी? स्वीट ऑफ यू। तुम जाओ यहाँ से। क्या हो गया? जाओ यहाँ से, जाओ। कल रात इसके साथ थी? गुड यार, मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात है? He's so handsome. अगर ये मुझे लाइन देता मैं तो फौरन हाँ कर देती। फिर जाओ, अभी जाओ ना। जी, तुमको शर्ट स्त्री करने को दीजिए। शर्ट स्त्री की है तुमने? हाँ, शर्ट स्त्री करने आती है कि नहीं करने आती है? 3 महीने शर्ट भेज चुका हूँ। माफ करते हैं, मुझे मालूम नहीं था कि आप कुछ और पहनना चाह रहे हैं। मुझे 2 मिनट दें, मैं अभी स्त्री कर देती हूँ। छोड़ो, खड़े हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे गरम करते हैं। पहले आप छोड़े, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये गर्म हो गए। उसके बाद हुमायूं, प्लीज प्लीज हुमायूं। पता चला कैसे होती है? करो इसे। इधर आगे 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 कालीन पे थोड़ा ले जाओ ना। हाँ बस बस, ठीक है, सही है सही है, शुक्रिया। कलर कॉम्बिनेशन नहीं चला, लेकिन अभी फिलहाल काम निकल जाए। फजल, फजल सुनो, एक काम करो ना, इधर थोड़ी डस्टिंग कर लो। मिट्टी बहुत आई हुई, बार बार दरवाजा खुल रहा है ना, तो जरा मिट्टी साफ कर दो और बाद में ना सेटिंग चेंज कर लेंगे। अभी फिलहाल ये रहने देते हैं ताकि सामान आ जाए घर के अंदर एक दफा, है ना? चलो। आइंदा के मेरे काम में मुदाखलत की ना तो उससे भी बुरा अंजाम होगा। सिगरेट ना पियो, ड्रिंक ना करो, ये ना करो, वो ना करो। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, आखिर मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी हो तुम? ऐसी होती है बीवियाँ? तुमसे अच्छी ना घरों की मासियां होती हैं, बढ़िया है बीवी बीवी करने वाली। शक्ल ना सूरत ना पैसा ना रुपया कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। गुर्बत और बदसूरती से ना मुझे नफरत है। मुझे सिर्फ दौलत से प्यार है और उसको हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाईजान का फोन आया। ना मत लो उसका। बहन को मेरे हवाले करके वहां पे खुद मजे कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी थी, वो बस जायदाद के कुछ मसले हो गए थे इसलिए। भाईजान बुरे नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है। तुम मुझसे सुबह सुबह बहस करोगे? कितनी बार बोला है कि मुझसे बहस मत किया करो सुबह सुबह। सॉरी। जानती हो ना तुम इस घर में क्यों हो? क्योंकि जब तक तुम्हारी जुबान बंद रहेगी तुम इस घर में रहोगी। जी। तुम मेरे सारे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और फिर उनको इस्त्री करोगी, समझ रही हो? शाबाश। फोन कर दो, फोन लेकर आओ, फोन लेकर आओ। अब इसकी तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रहेगा मेरे पास। चलो जाओ, सारे काम करो अच्छे तरीके से, तो सारी चीज़ें सही चाहिए। अब्दुल भाई गाड़ी निकालो। ये तस्वीर यहां कौन लगा सकता है? जोया का कारनामा होगा। वो ये समझती है कि मैं अब भी वो पुराना दाऊद हूँ, सीधी सादी बावफा बीवी को घर पर से सिकता छोड़कर रंग बिरंगी तितलियों के पीछे फिरने वाला दाऊद। जबकि उस दाऊद को तो अब जीने की तमन्ना भी नहीं रही। सना, मुझे तुम्हारी तस्वीर की ज़रूरत नहीं। हो सके तो जोया को बता देना, मैं अब बंद आंखों से हर वक्त तुम्हें ही देखता हूँ। अब तुम्हें मेरा और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं तो खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हारी बेटी यही चाहती है कि हम दोनों इस जहाँ में ना सही उस जहाँ में तो साथ साथ रहें। जोया जोया, मैं तंग आ गई हूँ इस लड़की का नाम सुन सुन के। अम्मी, जोया का जिक्र ना करना मेरे बस से बाहर है। तुम मेरे बस से बाहर हो गए हो। इतनी कुर्बानियां देके डॉक्टर बनाया था और उसका सिला तुम ये दे रहे हो मुझे। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं आप? देखें, अब्बू ने बहुत सारा पैसा छोड़ा था हम दोनों के लिए, उसके बाद अपनी मेहनत से और आपकी दुआओं से मैं डॉक्टर बन गया। इसमें कुर्बानी कहाँ से बीच में आ गई? इतना कुछ करने के बाद अब तुम क्या चाहते हो? अरे कभी उसकी मरहूम माँ की बात करते हो, कभी तुम जोया जोया करते हो। क्या हो गया बेटा? कितनी बदतमीज लड़की है वो, जब से हम आए उसने हमें पूछा तक नहीं है। अम्मी ऐसा हरगिज नहीं है। अरे ऐसा ही है ना बड़े, उसकी आंखों से मोहब्बत टपकती है हमारे लिए ना, और मुंह से फूल निकलते हैं ना, फूल बरसते हैं उसके मुंह से। एक तुम हो पागलों की तरह उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी सब दिखता है मुझे, सब नजर आता है। आपके लिए उसकी नफरत, मामू के लिए बगावत, लेकिन दुनिया में सब कुछ एक तरफा तो नहीं होता ना। ऐसा क्या किया आप दोनों ने जिसकी वजह से एक नाजुक सी डेलिकेट सी लड़की इतनी सख्तजान हो गई है? आप बस मुझे ये बात बता दें, उसके बाद मैं जोया का नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मैं आप बस और कुछ नहीं कहना चाह रही, छोड़ो दफा करो। ठीक है फाइन, मैं कान वेट कर आपका। आपकी बेगम तो बिस्तर में लेट के आराम फरमा रही हैं। कौन सी मेहमान नवाजी करेंगी? जाहिद को इतनी भूख लगी है, कौन खाना बनाएगा बताएं? और कितनी बू आ रही है दवाइयों की इस कमरे में, यक छी। मैं ऐसे शिकायतें नहीं करता था, देख लो खुद ही इसी तरह आके लेटी रहती है सारा दिन, मैं तो बेजार हो गया हूँ। सना क्या हो गया है तुम्हें? क्या तरीका है? कभी कभार तो हम लाहौर से आते हैं, जैसे ही तुम्हारी नंद आती है तुम बिस्तर पे लेट जाती हो, क्या हो गया तुम्हें? फरीदा मैंने सुल्ताना को सब समझाया हुआ, वो किचन में दे देगी। चक्कर आ रहे हैं मुझे अभी अस्पताल से। ओहो रहने दो ना, तुम तो 24 घंटे बीमार ही रहती हो, कुछ नहीं हुआ, चलो उठो बिस्तर से, वहम हो गया है तुम्हें, चलो चलो। अरे भाईजान आप कुछ कहे ना इनसे, आप कैसे खामोश खड़े हैं? क्या कर रही हो तुम? कल परसों तक तो बिल्कुल ठीक थी। उठो, फरीदा और जाहिद जा रहे हैं कल सुबह, और मेहमान भी आए हुए हैं, उठ पड़ो ना। ठीक कह रहे हैं आप, कैंसर मामूली सी तो बीमारी है। भाईजान आपने बहुत ढील दे रखी है। अरे देखिए मैंने बिस्तर से कैसे उठाया इसे, मुझसे सीखे कुछ, देखा सीधी हो गई ना। एक दो तीन चार तत तत थई सीधा दिग दिग थई तत तत थई सीधा दिग दिग थई सीधा दिग दिग थई सीधा दिग दिग था। हाँ अब याद हो गया ये टुकड़ा, ठीक है बस अब इसकी प्रैक्टिस करना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम कल करेंगे क्लास, ठीक है? याद कर लेना बस। कर लूंगी। ये सब ये क्या है? तुमने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़कर डांस सीखना शुरू कर दिया है? पहले मैंने सोचा था ठीक है शौक है तुम्हारा, जी भर जाएगा तो छोड़ दोगी, मगर क्या डैड? I'm sure कि आपको मेरा ये शौक काफी बुरा लग रहा होगा, काफी, आपको और आपकी प्यारी आपा को। देखो तुम्हारा हर शौक पूरा करने के लिए मैं जो बैठा हूं यहाँ तुम्हारा बाप, मगर कम से कम अपनी स्टडीज तो मुकम्मल कर लेती, और ऊपर से आपा आई हुई, वो लोग क्या सोचेंगे? Who cares के वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? I don't. By the way, आप लोगों को वो चीजें क्यों बुरी लगती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं? Remember that time जब मैंने बिल्ली पाली थी, आपने उठा के किसी और को दे दी, मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, आपको वो बुरा लगा, आपने वो बंद करवा दिया, और अब फुप्पो को मेरे ये घुंघरू चुभ रहे हैं, उनको लगता है कि इनकी वजह से मेरे किरदार पे सवालात उठेंगे। इतनी फिक्र उन्होंने अपनी जवानी में की है। तुम अपनी बात करो, तुमने हर किस्म की अपनी मनमानी की है, लेकिन तब वो यहां नहीं थी, अब वो यहाँ हैं, हमें थोड़ा सा लिहाज करना होगा। मुझे इस घर में सुकून चाहिए। और यही सुकून मैं आपसे छीन लेना चाहती हूँ, इससे यही फर्क है आपके और मेरे गोल्स में। Now please, if you can leave, मुझे बात करनी है। देखिएगा सर। मैम आज आप ऑफिस में? डैड कहाँ अपने ऑफिस में है, कोई विजिटर तो नहीं है अंदर, अगर है भी तो आई डोंट केयर, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। बॉस अभी बोर्ड रूम से निकलकर अपने रूम में गए, मैं देखती हूँ। इट्स ओके, मैं देख लूँगी। कौन है ये जगह? आज से पहले कभी देखा नहीं मैंने। आप नए आए ना, आपको नहीं पता। ये बॉस की बेटी है जोया, बहुत ही नकचड़ी और बदतमीज। जब भी आती है ना बाप से झगड़ा करके ही जाती है, और यकीनन आज भी कोई बहुत बड़ा इशू होगा, वरना ये कभी भी ऑफिस नहीं आती। आपको किसने हक दिया कि आप मेरा एडमिशन वहां लंदन यूनिवर्सिटी में करवाएं? बताइए डैड, क्या है ये सब कुछ? बेटे मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम अपनी तालीम फिर से शुरू कर लो। ये आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे, इस नफरत को निकाल दो अपने अंदर से। अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद मत करो। जो होना था वो हो चुका है। जो होना था वो हो चुका है डैड। कितनी छोटी सी बात है ना ये आपके लिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अम्मू की डेथ भी आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा वाकया है जिसे आप भूल चुके हैं, लेकिन मैं नहीं। देखो जोया, अब मैं तुम्हारी अम्मा को तो वापस ला नहीं सकता, लेकिन कम से कम एक अच्छा बाप तो बनकर दिखा सकता हूं। देखो इसको मेरा हुक्म समझो, मेरी बेशक दरखास्त समझो। यूके पढ़ने चली जाओ, तुम्हारे 1 साल की फीस मैंने जमा करा दी, तुम्हारे रहने का इंतजाम भी है। जाओ जाकर पढ़ो बेटा। नहीं, नहीं डैड, नहीं करूंगी। आपका हुक्म या आपकी दरख्वास्त समझ के कोई बात नहीं मानूंगी। डैड, मैं खुद डॉक्टर बनना चाहती थी। आपको याद है मेरी 7th क्लास की पेरेंट टीचर मीटिंग थी, वो सख्त बीमार थी। टीचर ने कहा था कि अगर साइंस लेना है तो किसी एक पेरेंट को अपने साथ लेकर आओ। अगर आप कैसे बताऊं तुम्हें बेटा, हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। देखो ना कितनी कमजोर हो गई हूँ मैं। एक क्लास उठाते वक्त तो मेरे हाथ कांपते हैं, बाल मेरे सारे गिर गए। अम्मू आपको कुछ नहीं हुआ है, प्लीज ये उतारे ना अपने बालों पर से, क्यों मान रखा है इसको? डैड कहते हैं कि आप ड्रामा करिए ताकि आप उन्हें वो सेक्रेटरी आंटी के पास जाने से रोक सकें। तुम कैसी बातें कर रही हो जोया, तुम अपने बाप की तरफदारी कर रही हो। सब तुम्हारी पुप्पी बेगम का करना है कि सारे खानदान में मशहूर कर रखा है कि डैड डैडी मेरी रिपोर्ट कार्ड इसे साइन कर दें। और हाँ, कल मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, प्लीज़ आप चले जाइएगा। अम्मू की तबीयत ख़राब है, वो नहीं जा सकती। प्लीज़ कल मैं आपको 7 o'clock पर उठा दूँगी। प्लीज़ डैड, अगर आप नहीं गए तो स्कूल वाले मुझे साइंस नहीं देंगे और मुझे डॉक्टर बनना है आहद की तरह। डॉक्टर? तुम नर्स बनने के काबिल नहीं हो। ये अपना रिजल्ट देखा? ये इस काबिल है कि तुम डॉक्टर बन सको? You have to improve yourself. बस बस मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए। आखिर तुम चाहती क्या हो? 10 साल बीत गए तुम्हारी अम्मा को जुदा हुए। देखो, कम से कम मुझे एक मौका तो दो अच्छा बाप बनने का। चलो मेरी खातिर ना सही, अपनी खातिर go and educate yourself। हुमायूं, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा केबिन में वेट कर रही हूँ। चले, मैं आता हूँ। आ रहे हो ना? ये डैड नहीं होगा। अब मुझे डॉक्टर क्या, मुझे कुछ नहीं बनना। इनफैक्ट मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। God, I hate you so much। और आप, तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही हो। अपने एहसानात अपने पास रखें। क्यों गिरा रही हो अपने आप को इतना नीचे? तुम तेजी से अपने आप को तबाही की तरफ लेके जा रही हो। Listen, Dad, अगर आप वाकई मेरे खातिर कुछ करना चाहते हैं तो। हाँ, बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? I promise I will do it। जैसे भी हो, प्लीज मेरा पीछा छोड़। I honestly can't stand you anymore। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। देख तो रही हूँ मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। डॉक्टर, तुम नर्स बनने के काबिल नहीं हो। ये अपना रिजल्ट देखा? ये इस काबिल है कि तुम डॉक्टर बन सको? You have to improve yourself। ज़ोया बाजी, वो सुल्ताना है ना? तुमसे कितनी दफा कहा इस तरह मुंह उठा के मेरे कमरे में मत आया करो। कहा है ना? जाओ यहाँ से। I said get out। वाह हुमायूं, शिकार चलकर खुद तेरे दाम में आ गया। सच कहा है किसने, तमन्ना करो और जरूर करो। कुदरत खुद ही साजिश करके आपकी तमन्ना को पूरा कर देती है। भाई जीनियस। लॉटरी के टिकट फाड़ते फाड़ते और जुए के नाकाम दाव लगाते लगाते तुम थक से गए थे, है ना? कुदरत ने भी खुद ही तुम्हारी कामयाबी का समा कर दिया। ज़ोया, कितना खूबसूरत नाम है, बिल्कुल उसी की तरह। आपके खिलाफ कैसे लावा सपक रहा है उसके अंदर। बेटी की लावे की तरह उबलती नफरत और मेरी बर्फ की तरह बरसती मोहब्बत, क्या जबरदस्त एंड प्रोडक्ट बनेगा मायूं। लेकिन उससे पहले आयशा से निजात पानी होगी। आयशा किसी बला की तरह चिमट गई हो तुम मुझसे। अब भला दाऊद शाह का दामाद पहले से शादीशुदा अच्छा लगेगा। रो रहा है दिल।